बिहार में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होना है। मतदान 7 मई को है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व रविवार की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 51 पुरुष और 3 महिलाएं चुनावी मैदान में है। वही झंझारपुर में 10, सुपौल में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 उम्मीदवार मैदान में है। इस चरण में बिहार में 98,60,397 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 51,29,473 पुरुष, 47,30,602 महिला मतदाता और 322 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। वही 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,716 मतदाता हैं, जबकि पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 1,45,482 है। और पांचवें चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं हाजीपुर में नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को हुई। कुल 103 प्रत्याशियों में 82 के नामांकन पत्र वैध मिले, वही 21 का रद्द कर दिया गया। बिहार के सीईओ कार्यालय के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के बाद पांचवें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अब 12, सीतामढ़ी में 15, मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 26 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए, सारण लोकसभा क्षेत्र में 15 तो हाजीपुर में 14 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई और मतदान 20 मई को है। और चुनाव को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।